नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरा नया रेसिपी पहले आपको मिल सके। आइए आज हम बनाएंगे खस्ता गुलगुला। खस्ता गुलगुला के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए आटा। मैंने आटा लिया 2 कप, सूजी 3/4 कप, आधा चम्मच खाने वाला सोडा, 2 चम्मच सौंफ, 3/4 कप चीनी, 3 चम्मच रिफाइंड तेल और नमक। हम एक बाउल में ये आटा, सूजी, खाने वाला सोडा, सौंफ, रिफाइंड ऑयल, अरे नमक मैंने 1 चम्मच डाला है, और चीनी, ये सब डालकर अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छा से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने 1 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसको आधा घंटा के लिए ढककर रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, ये सेट हो चुका है। अब हम इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका, अब हम इसको फ्राई करेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा देंगे। मैंने गैस पर एक कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। अब हम ये गुलगुला बनाएंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। गुलगुला छोटे या बड़े बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा देंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। थोड़ा सा हो गया, इसमें अब पलट देंगे।
मैं ऐसे पलटते रहेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। फ्राई हो चुका है, अब हम इसको अगर प्लेट में निकाल दें। और एक बार बनाकर दिखाती हूँ, आप गुलगुला छोटे या बड़े बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा दें। एक तरफ थोड़ा सा हो गया, इसको हम पलट देंगे। खस्ता गुलगुला तैयार हो चुका है, मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर दिया है। आप इसको जरूर एक बार घर पर बनाइए, मटर का सब्जी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।